बच्चों का इडली और सांभर और चटनी। दो से तीन मिनट इसको पकने देंगे। और सच पूछो तो मेरा ही मन कर रहा है कि हम भी फटाफट अभी वो यहाँ पे गाइस बिहारी स्टाइल वाला खाना देने लगे। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो अभी शाम का बज रहा है गाइस 5:30 और शांत सर्फ में आज मेरा हो रखा है गाइस तबीयत खराब फिर से। मतलब मेरा जो कमर पेन होता है ना, कमर वाला पेन, वो ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब सच पूछो तो मॉर्निंग से ही मेरा कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा कि मतलब मॉर्निंग से बेड से उठे ही नहीं है अभी। मतलब हमको लगता है शाम का 4 बजे हम उठे, वो भी मेडिसिन वगैरह खाए, मालिश हुआ, तब जाके हिम्मत जुटा तो उठे हैं, मीन्स हिम्मत हुआ तो उठे हैं। और वो भी उठे अपने बच्चों के डिमांड पे। मतलब बोलो इतना जिद लगा के रखा था मॉर्निंग से ही कि मम्मा इडली बना दो, इडली बना दो, इडली बना दो। तो वैसे कल ही हम वो चावल जो है कल ही भिगो के रख दिए थे, तो उन लोगों को ध्यान पे था कि मम्मा चावल भिगोई है तो इडली बनाएगी, तो वो वाला मॉर्निंग से ही मतलब मम्मा इडली बनाओ, इडली बनाओ, मम्मा इडली बनाओ, ऐसा वाला। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए उठे हिम्मत करके। और अभी हम जा रहे गाइस साउथ इंडियन डिश हमारे इडली, इडली और सांभर बनाएंगे। तो चलो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए गाइस। और मेरे चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। तो चलो हम अपना साउथ इंडियन डिश इडली का तैयारी करते हैं। बहुत सारा वेज है जिसको कटिंग हमको करना है और उसको पीसना है, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। बनाने में लेट हो जाएगा, नहीं तो रात हो जाएगा, पता चलेगा इडली खा के सोना पड़ेगा, इसलिए चलो फटाफट लगते हैं ना। बस ये रहा हमारा चावल, कल से हम भिगो के रखे थे तो आज बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है। और इसको चलो सबसे पहले पीसते हैं, एक बार एक दो पानी हम धो लेंगे इसको अच्छी तरह से, उसके बाद इसको हम पीसेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो चावल को हम अच्छी तरह से पीस चुके हैं, इसको हम एक टब में ढाल लेते हैं। हम अच्छी तरह से चावल को पीस चुके हैं, देखो बहुत ही बढ़िया। अब इसमें आप खाने वाला बेकिंग सोडा डालो या फिर ग्रीन वाला इनो डालो, क्योंकि इसमें जो है कोई फ्लेवर नहीं होता है ना। तो इसको हम लोग वैसे रेस्ट नहीं भी करा सकते, हम फटाफट भी बना सकते हो, मगर मेरे को अभी वेज कटिंग करना है तो इसको रेस्ट पे 5 मिनट के लिए रखते हैं और इधर हम वेज कट कर लेते हैं, है ना। वेज में जो भी हो आपके पास आप डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारा चीज अवेलेबल था जिसमें कि आप देख सकते हैं गोभी, कद्दू, बैगन, भिंडी, टमाटर, प्याज, सारा कुछ। और कढ़ी पत्ता भी मेरे घर पे है, खुद का पेड़ है, वाह। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सारा वेज में से थोड़ा थोड़ा करके हम कटिंग कर दिए हैं। तो यहाँ सारा वेज कटिंग हो चुका है गाइस। और सांभर के लिए चलते हैं, दाल पहले कुकर में बैठा देते हैं। तो हम दाल लिए हैं गाइस रहर का, और बस दाल की तरह दाल हम लोग बनाएंगे। यहाँ दाल डाल चुके हैं गाइस और हम लोग डाल देंगे इसमें हल्दी, नमक, और इधर हम दाल चढ़ा दिए और इधर हम सब्जी को फ्राई कर लेते हैं फटाफट, है ना। हम लोग पहले सरसों तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है तेल गर्म गैस, और हम तड़का अभी ही दे देंगे। ऐसे तो सांभर बनाने के बाद अलग से भी तड़का आप दे सकते हैं, मगर हम अभी ही दे देंगे सरसों दाना। ये रहा कढ़ी पत्ता, बहुत ही कढ़ी पत्ता बहुत जरूरी का है। कढ़ी पत्ता हमारा है, तेज पत्ता है, सूखा मिर्च खड़ा है और कुछ लहसुन का छोटा छोटा कलियां है। तो ये सब से हम तड़का लगाएंगे अभी और सब्जी को फ्राई करेंगे। यहाँ सारा वेज हम डाल दिए हैं। यहाँ पे हम लोग गाइस वेज में डाल देंगे नमक, थोड़ा ही नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हल्का हल्दी भी डाल देंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा हो चुका है वेज फ्राई। तो यहाँ पे गाइस हमारा दाल भी परफेक्ट हो चुका है, हमको इतना ही चाहिए था। और हम लोग सारा वेज को इसमें डालेंगे। हम तो गाइस ऐसे जानते हैं, आप लोग कमेंट करना अगर, और तरीके से बहुत तरीका होता है बनाने का, मगर हम तो ऐसे ही शॉर्ट में बनाने जानते हैं। कमेंट करना जरूर, अगर गलत बना रहे होंगे तो भी बताना कि रॉन्ग बना रहे हो आप, और राइट बना रहे होंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम सारा वेज डाल चुके हैं, अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है ये सांभर मसाला, इसके बगैर तो सांभर ही नहीं।
तो लास्ट में हम लोग इसको डालेंगे और ये क्या दो सीटी लगाएंगे और ऑफ कर देंगे। और आपके पास अगर नींबू हो तो नींबू भी डाल दो, अच्छा लगेगा। मगर मेरे पास नींबू नहीं है तो हम बिना नींबू का बनाएंगे। इसको हम लोग कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे गैस सीटी। अच्छी तरह से बेस को मिक्स कर दिया और सीटी लगने के लिए दो सीटी लगाएंगे, ऑफ कर देंगे। और तब तक इधर एक और चटनी हम रेडी कर लेते हैं बादाम का, क्योंकि मेरे देखो मेरे सामने आ गया बादाम। प्रकट हो जाओ बादाम। मैं खाएगा, मैं भूनेंगे तब तो खाएगा, कच्चा ही खाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भून रहे हैं हम बादाम और इसमें डाल देंगे दो हरा मिर्च, तीखा ज्यादा नहीं बनाएंगे, कुछ हमारा लहसुन का कलिया, और इसको हम लोग धीरे धीरे करके भून लेंगे अच्छी तरह से। तो इधर गए, हमारा सांभर बन चुका है और बन गया। तब से लाइन लगाए हुए मेरे बेटे का। चटनी नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत है, चटनी बनाना जरूरी है नहीं। इसके कहने से हम चटनी बना रहे हैं। तो इधर हमारा सांभर बन चुका है गाइस और चटनी भी रेडी हो चुका है। अब जा रहे हैं हम इडली का तैयारी करने। ये भून चुका है, तब तक इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। और इधर हम फटाफट अपना बैटर को मिलाते हैं और इडली भी बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर स्टीम लगाने के लिए डाल दिए हैं पानी और इसको हम गर्म करते हैं। लग ढक्कन दिया, तो गाइस हमारा बैटर बहुत ही स्पंजी हो चुका है। अभी देखो बहुत ही स्पंजी हो गया है। और सारे प्लेट में जो है हम बैटर तैयार कर लेते हैं, डाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास ब्रश नहीं है तो हम तो ऐसे ही हाथ से लगा देंगे। टॉर्च में हम लोग ऐसे ही करते हैं, हर कोई करता है भले बोले ना। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं चावल सब प्लेट पर। तो हमारा सारा बैटर डल चुका है देखो, और तीन है तो तीनों में भर लेते हैं। लाओ बेटा परी। गाइस हम डाल चुके हैं अपने सारा प्लेट को और 15 मिनट तो इसको अच्छी तरह से हम छोड़ देंगे। 15 मिनट में एकदम परफेक्ट पक जाएगा। यहाँ पे गाइस हमारा सांभर देखो बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी महक आ रहा है। अभी हमको लग रहा है टेस्टी बना है, देखो एकदम परफेक्ट हमारा रेस्टोरेंट जैसा सांभर बना है, होटल रेस्टोरेंट जैसा ये। यहाँ पे हमारा गाइस स्टीम हो रहा है इडली देखो, अब बस 5 मिनट में हमारा इडली स्टीम हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस हमारा बादाम का चटनी पीस चुका है और हम इसमें जा रहे हैं तड़का लगाने। सरसों दाना और हमारा मिर्चा और यहाँ पे हमारा कढ़ी पत्ता से तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पे गाइस हम लोग अपने अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तड़का अच्छी तरह जल चुका है गाइस, अब इसको हम लोग कटोरी में डाल देंगे और इस चटनी को अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे गाइस हमारा स्टीम हो चुका है इडली, तो चलो देखते हैं। वाओ हमारा देखो इडली बहुत ही स्पंजी बना है, इसको निकालते हैं। अपने बच्चों के लिए ले जा रहे हैं हम इडली, दोनों का प्लेट एकदम भर जाती है। ये क्या है, गुड़ का ढेला। गुड़ का ढेला, चलो चलो आओ बेटा। ये रहा मेरे बच्चों का थाली। तो ये रहा गाइस हमारे बच्चों का इडली और सांभर और चटनी। वाओ, और ये रहे बच्चे, मेरे दो बच्चे हैं। और परी रहने के लिए मम्मी ला रही है फटाफट फटाफट। हर साजा बेटा, परी का आ गया। ऐसा नहीं चाहिए। ओले गाइस देखो प्लेट में दिए थे, मम्मा को कहिए गंदुआ। अच्छा अच्छा ए प्रिया, बड़ा वाला थाली धो, ये भी ठंडा वाला में खाएगी। तो यहाँ पे गाइस बिहारी स्टाइल वाला खाना देने लगे हैं। अब थाली नहीं है हमारे पास ठंडा वाला, तो इसी में अरेंज कर रहे हैं। ये रहा हमारा चटनी। चटनी से तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस, ये रहा मेरी इया का। उठाइया, ये
ये देखिए मेरी प्यारी दादी अभी खाएगी इधर। हमारे यहाँ पे सारे जो दिख रहे हैं दादी से लेकर तीनों बच्चे ही है हमारे लिए। और ये रहा गाइस परी रानी का टंटणा हैप्पी चम्मच। अच्छा चम्मच चम्मच चाहिए। टूटू है बेटा सबका और बनाने जा रही है मम्मा। कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा। और इसका मार्क्स तो एकदम तू एकदम ना कितना परसेंट लीजिएगा इसका एग्जाम मिलियन परसेंट। ओ मिलियन परसेंट भी होता है बेटा। तो यहाँ पे सारे लोग इडली का मजा ले रहे हैं गाइस। और सच पूछो तो मेरा ही मन कर रहा है कि हम भी फटाफट अभी फटाफट बनाए इडली और खाएं। तो चलो नेक्स्ट वाला स्टीम लगाते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली हम इडली भी बना लिए सांभर भी बना लिए और चटनी भी बना लिए और बच्चों को खिला भी दिए और बच्चे भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो लोग खुश हो गए तो मेरा माइंड भी बहुत ज्यादा फ्रेश हो गया। तो चलो नेक्स्ट अब हम लोग अपने लिए जरा सा एक बार स्टीम करते हैं और सारे लोग खाते हैं। तो बस आज का ब्लॉग यही एंड कर देंगे। होप करते हैं ये इडली का रेसिपी अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा और बहुत सारा कमेंट करिएगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।